बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमल टीवी पे तमाम दोस्तों को खुश आमदी। फ्रेंड्स, आज आपके लिए 2004 मॉडल हिनो एसडी की बेहतरीन वीडियो, और ये उस्ताद जी इस गाड़ी के ओनर है, इनका एक बेहतरीन इंटरव्यू है, इसी वीडियो में आपको मिलेगा। ये गाड़ी इन्होंने यूथ में बाय की थी, परचेज की थी, ये तकरीबन 6 महीने हो गए, तो इस हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। गाड़ी की बचत कितनी है, गाड़ी के अखराजात कितने हैं, इसकी आमदनी कितनी है, और आजकल पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के हालात क्या है, ये पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहले मैं छोटा सा आपको इसका रिव्यू करवाऊँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह एक बेहतरीन इंटरव्यू होगा, पूरी डिटेल के साथ उसका भी हमें गाड़ी के बारे में और मार्केट के बारे में बताएँ। $5,000 राजे, अच्छा बोले हो, थोड़ा अगे आ जाओ, थोड़े से ठीक आ जाओ, थोड़े और आ जाओ, बस आइए आइए। अच्छा, की नाम है अपना? उर्दू में बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। कहाँ से हैं आप? एहतबाद। अच्छा, गाड़ी आपकी आपकी है या आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर हैं आप? कितना अर्सा हो गया आपको ड्राइविंग करते हुए? अच्छा, ये बताएं गाड़ी मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है 2004 है। और कब ली थी आपने? 6 महीने हो गए। चली चलाई गाड़ी ली थी, यूज कितने में यूज खरीदी थी? 70,000 कैश पे या किस्तों पे? कैश, 70,000 कैश। अच्छा, ऊपर तो काम भी इसका करवाया है या जिस हालत में ली थी उसी हालत में है? उस पर कितना खर्चा आ गया तकरीबन? 40-50,000 तो लगा। अच्छा, चलिए आपको ये तकरीबन 71,00,000 पूरा कैश दिया था आपको। अच्छा, अगर इस कंडीशन में इसे बेचेंगे आप, सेल करेंगे, तो ये कितने की देगा? अभी तो ये 80 की है। अच्छा, इस वक्त आप 80 की बेचेंगे कैश पे। अगर यही गाड़ी आप किस्तों पर सेल करते हैं फिर कितने की? 1 करोड़ की। अच्छा, और बताएं इसमें गियर कितने हैं? इसमें 10 गियर है। और ब्रेक? ब्रेक एक ही है। नहीं, कौन सी ब्रेक है? स्टॉपर वाली है, प्रेशर वाली, कौन सी? इसकी जो है डक्टाइल वाली। अच्छा, ब्रेक है? हाँ, जेन्युइन ब्रेक है। हाँ जी। अच्छा, और इसके बाद बताएं जी कि आप तुसी भी एक्सेस वॉश कराना। क्लच कितने नंबर का है इसका? क्लच इसका 15 नंबर का है। 15 नंबर का। अच्छा, गियर जो आपने बताए हाई लो वाले हैं? हाई लो। 10 गियर जो आप बता रहे हैं हाई लो वाले? हाई लो। और इस मॉडल में कौन कौन सी सहूलतें दी गई हैं? एसी भी है, हीटर है, स्टूडियो वगैरह है, टेप वगैरह, एफएम वगैरह है? एफएम भी होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बताएं जी कि मोबाइल एल वगैरह आप कितने टाइम के बाद या किलोमीटर के बाद चेंज करते हैं? 3 चक्कर के बाद। 3 दिन के? कहाँ कहाँ के चक्कर होते हैं आपके? पंजाब। ठीक हो गया। अच्छा, ये तकरीबन कितने किलोमीटर बनता है सफ़र आपका मोबाइल एल का? 1,000 के बाद चेंज कर देते हैं? नहीं, अमूमन जो है ना जापानी गाड़ियाँ वो तकरीबन 2500 किलोमीटर के बाद मोबाइल एल चेंज करती हैं। आप इतने जल्दी क्यों करते हैं? जी, आपका जो रूट है वो चढ़ाइयों वाला जाता है? कहाँ कहाँ जाते हैं? दिल्ली में भी जाते हैं, कराची में भी जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं। अच्छा, आजकल अगर कराची का चक्कर लगाएं तो किराया तकरीबन आने जाने का कितना बन जाता है? किराया गिलगित से कराची का? गिलगित से? गिलगित से कराची का 3 लाख आने जाने का। नहीं, आने जाने का तो 5 लाख। यानी आप गिलगित से लोड करके जाते हैं और फिर कराची से वापस आते हैं तो 5 लाख रुपया आपका किराया बन जाता है। और तकरीबन ये बताएं कि कराची से वापसी की क्या मार्केट है? बस वो रेट काफ़ी ऊपर होती है, काफ़ी नीचे होती है। अच्छा, इस 5 लाख में से खर्चे कौन कौन से? बस तेल है और डीजल है, ऑयल है, और हमारा खर्चा है, हम भी खाते पीते हैं ना।
डीजल का खर्चा कितना बन जाता है, कितने का डीजल आ जाता है? बस तकरीबन डीजल आ जाता है 2.5 लाख, और बाकी खर्चे बाकी और भी आते हैं, लाख आ जाता है। इतने बंदे सुन रहे हैं आप, डेढ़ लाख ही नहीं बचता। ये पूछो ना इनसे, हमारी ये गिरके से नहीं जाते ना, ये तो और नहीं, हम भी बलोचिस्तान चलते हैं। अच्छा, बलोचिस्तान। हाँ, 8 दिन का चक्कर है, 50,000 खास नहीं करता था। अच्छा, बंदे कितने चलते हैं उसके पास? उसके पास 3 बंदे होते हैं, और वोटर कितना बनता है तीनों का तनखा का महीने का? महीने का 70,000 बनता है। अच्छा, शहर आपने कहना वगैरह डाले हुए थे, कौन बातें हैं कहना नहीं डालते, कहने में अपराध हो जाते हैं। ये कितना साल जाते हैं डेबिट फोन? डेबिट फोन जो 14 महीने चलते हैं, और दूसरे जो हैं 6 महीने 5 महीने। अच्छा, ये 14 महीने चल रहा है अगर रोड वगैरह ठीक हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताएं जी कि अपना आपके शहर में या गिलगित में जोड़ी कितने की आ रही है चारों? 1,20,000 नकद कैश। हाँ जी, कुछ लोग टायर किस्तों पे भी उठाते हैं, किस्तों में बहुत महंगे हो जाते हैं, वो तकरीबन 1,20,000 के ऊपर चले जाते। अच्छा, ये बताएं टोकन का कितना खर्चा है आपका? टोकन का पिशावर का कितना? 50,000 साल का। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, रोड के बारे में बताएं, पुलिस आपके साथ क्या बिहेवियर करती है? ये आपकी सवाल है आपसे, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू वाइंड अप करेंगे। नाजायज करते हैं, कभी जायज भी क्या करानी है अपने? हाँ, सही गल है, उन्होंने गवर्नमेंट का तू चला दो, उन्होंने आपकी तो चाली चला दो। अच्छा, उषा जी महंगाई के बारे में थोड़ा सा बता दें। यानी ट्रांसपोर्टरों को तब्दीली रास नहीं है? नहीं आई तब्दीली। घर ₹5,000 ਦਾ ਜੀ।